हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल नंदा ऑलराउंडर। तो आज है ना, मैंने आपके साथ मॉर्निंग वॉक थोड़ा सा शेयर किया है। तो मैं यहाँ पे है ना, परी को, डिंकी को स्कूल छोड़ने गई थी। तो डिंकी के स्कूल के एकदम नज़दीक आ गए थे हम लोग। तो ये देखिए, गुरुद्वारा का जो मैं आपके साथ शेयर करती थी ना, वो अभी बन रहा है नया। तो थोड़ा सा वो क्या, ये गार्डन है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैं थोड़ा सा शेयर कर लिया। उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी और पूजा पाठ, नहाया, पानी वगैरह सब भर लिया था। उसके बाद नहाने के बाद मैं है ना आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो ये है ब्रेकफास्ट, और ये चने का आलू का ब्रेकफास्ट है। तो ये डिंकी बना के, मतलब डिंकी के टिफिन के लिए, परी के टिफिन के लिए, टिंकल के लिए, ये सब के लिए बनाए थे। और ये बचा था तो ये मैं अपने लिए ले रही हूँ, और बहुत टेस्टी बना था। इसमें थोड़ा सा मैंने पोहा भी डाल दिया था, तो पोहा फ्रिज में रखा हुआ था मेरे यहाँ कल का, तो वही मैं गर्म करके इसमें डाल दी, तो बहुत टेस्टी। तो ये मैं नहाने के बाद का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बीच में मैंने कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा मूड भी ऑफ हो गया था और बारिश भी थी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं खा रही हूँ और मैं अकेली घर में हूँ, मतलब डिंकी परी सब चले गए, तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ अच्छे से। और तो मैं बोल रही कि आप लोग भी आ जाओ, बहुत टेस्टी नाश्ता बना था। तो क्या करें, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना बना लूँगी। तो आपको भी बोल रही कि आ जाओ करके। तो बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसा आपके साथ शेयर कर लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल नंदा ऑलराउंडर। तो मैंने सुबह बस आपको है ना क्या दिखाया, सिर्फ मॉर्निंग में, परी क्यों हंस रही है? तो मॉर्निंग में मैंने बस ब्रेकफास्ट दिखाया था, उसके बाद मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया। फिर मेरा सर दर्द इतना हो रहा था, और है ना तबीयत थोड़ी डाउन डाउन से, और पैर बहुत दर्द कर रहे, क्योंकि इन लोगों को है ना छोड़ने जाना पड़ता है लाना, और ऊपर से वो पानी में झरझर झरझर चलना, उससे ना पैर ज़्यादा ही दर्द हो रहे थे। तो इसलिए मैं ना कुछ भी नहीं बनाई जल्दी। सुबह तो मैं 9 बजे तक मेरे पूरे काम हो गए थे, पूजा पाठ सब हो गए थे, फिर मैं बैठी रही, लेटी रही, तो ऐसा कुछ हो गया। तो बस आपके साथ जो ब्रेकफास्ट शेयर किया था, और टिंकी कर रही यहाँ पे पढ़ाई, तो मैंने सोचा चलो अभी स्टार्ट कर दिया जाए। तो गाइस प्लीज़ हेल्प कर दीजिए बहुत, मतलब मेरी अभी 3 महीने हो गए है ना, 3 महीने हो गए ना, अपनी ऐप बंद हो गई, 3 महीने हो गए, अभी रिअप्लाई आया ही नहीं। 3 बार आता है बोलते, तो मुझे इसका कुछ पता नहीं, किसी को पता होगा तो ज़रूर बताएगा। रिअप्लाई का ऑप्शन ही नहीं आया है, हम मतलब देख रहे हैं। बस एक बार आया था तो उसमें अप्लाई किया था, उसके बाद 3 महीने का उन्होंने बोला था, अभी तो 3 महीने हो गए, लेकिन रिअप्लाई का ऑप्शन अभी तक नहीं आया है, और देखते हैं अभी। तो गाइस, और मेरे वीडियो तो आप देखते हो कि बिल्कुल मैं किसी के नहीं डालती हूँ, क्या मतलब क्या हो गया, कुछ कुछ समझ में नहीं आया किस चीज़ का रिव्यूज़ आया था। तो बस यही है आपके साथ, अभी 3 महीने हो गए। अभी मैं सोचे वो मतलब मैं इसलिए चुपचाप थी कि 3 महीने के बाद तो रिअप्लाई आ जाएगा, और जिनको भी अपन हेल्प मांगो वो पैसे मांगते, और पैसे मेरे पास बिल्कुल देने के लिए नहीं है। एक दो जन को मैंने बोला था कि मैं होने के बाद आपको दूंगी, लेकिन उनको विश्वास नहीं, तो और मैंने भी नहीं फिर फोर्स किया, होगा जैसे होगा, नहीं तो फिर डिलीट कर दूंगी चैनल, ऐसा कुछ ही नहीं है, दूसरा ये कर लूंगी, कोई उतना ग्रोथ नहीं था है ना, अच्छा हुआ। तो बस यहाँ पे परी लेटी थी, उठ गई झट से। अब मेरी लड़कियाँ है ना बिल्कुल हेल्प नहीं करती है, कभी वीडियो में उनको बोलो कि आ जाओ, हाय हेलो करो, बातें करो, हाँ बिल्कुल नहीं करते हैं। और डिंकी का 10th में ये है, इसको ट्यूशन भी लगानी है अभी, तो बहुत टेंशन है, इसलिए ऐसा लगता है। तो बस यही है, और अभी खाना बनाने, अभी डिनर में बन रहा है अंडा करी। और क्या है ये ठंडी के, वो देखो ठंडी के मतलब क्या सब्जी, बारिश में क्या सब्जी बनाए क्या नहीं, समझ में नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि चलो एक कढ़ी खा लिया जाए, तो आज वही बना ले। और अभी चावल की सीटी हो रही थी, अभी टाइम है, 9 बजे तक हमारा हो जाता है, तो यही कुछ चल रहा है। तो फिर मिलती हूँ आपको बाद में, क्या बोलूँ क्या नहीं समझ में नहीं आता है।
तो आज मैं ना कुछ ज़्यादा कुछ आपके साथ शेयर नहीं किया। और ये जो है ना, ये देख, ये रूम फ्रेशनर है और एयर फ्रेशनर है, ये गोदरेज का है और ये मैंने अमेजन से परचेज़ किया था। तो यहाँ पे बारिश की वजह से नमी आ जाती है ना, तो मैंने पूरे रूम में फैला दिया था। तो बहुत अच्छा, ये जैस्मिन के फूलों का था, बहुत अच्छा सुगंध दे रहा था ये। और ये एयर फ्रेशनर है। और उसके बाद फिर मैं ना परी की थोड़ी सी, उसका सर दुख रहा था, उसको थोड़ा जुकाम हो गया था, तो उसको तेल मालिश कर दे रही थी। तो ये देखिए, थोड़ा सा उसको बता रही हूँ। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी एंड कर देती हूँ। और गाइज हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा, और जो न्यू है वो बेल आइकॉन दबाना ना भूलेगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिले और आप इंजॉय करें। तो हर कोशिश करती हूँ कि हर समय आपके साथ न्यू करें, और मेरे साथ बिल्कुल, मतलब मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मेरी। मतलब मैं किसी के ना कंटेंट डालती हूँ अपनी, इसमें अपने खुद का ही कंटेंट करती हूँ। और फिर बस इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।